हे गाइस, दिस इज अब्बास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं तबलीगी जमात का पार्ट टू, जो कि आप लोग देख सकते हैं पार्ट वन ये लगा हुआ है। तो बहुत ही अमेजिंग किया था और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत माशाल्लाह से अच्छे आए थे, और कुछ नेगेटिव भी थे लेकिन उसको हम लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि भाई देखो, आप लोग पूरी वीडियो देखोगे ना तो आप लोगों को हमारा जो मैसेज है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। बिल्कुल भाई, अभी आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी, सिर्फ थंबनेल देखा और आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने शो ऑफ करवा दिए कि भाई यही। तो भाई आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखो। तो खैर, अभी वीडियो भी बनानी है, तो इसी के साथ साथ अभी भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे भाई। इसी के साथ साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। आम साहब, सुभान अल्लाह, कमर में ऐसा दर्द हो गया, कुदरत की तरफ से सजदे करते रहते हैं, बस अल्लाह से सुभान अल्लाह, सही हो सुभान अल्लाह, कबूल कर लो। ये लोग आप लोग पिक्चर ले रहे हो, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है अपने आप को, अपनी रूह को कैद कर रहे हो ये आप। पिक्चर लेना गुनाह है, उनका क्या मतलब? तस्वीर बनाना कोने में कहाँ खड़े में आगे आइए, तस्वीर बनाना गुनाह है। फिर आज की मैं बोल रहा हूँ, असर की जमात में क्या करना चाहिए आप बताएं। आज बस खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे भाइयों को दावत देनी है। अल्लाह अल्लाह, तो उनको आज उनके साथ नमाज पढ़ेंगे। दो भाई बैठे हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन लोगों से भी दावत इनको देनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान, बात करते हैं। आप आ जाए, आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, आप तशरीफ अपनी आगे रखें। आम साहब, इमाम साहब बात कीजिए आगे से, जो भी आपका है। पहले पहले मैं दिली सुकून ले लूं थोड़ा। आम साहब आप तस्वीर बनाना गुना, एक गुना समझा जाता है। पहले इनका तारुफ करा दो, तारुफ करा दो, तारुफ करा आपका दो। इस्म शरीफ क्या है? अली, माशाल्लाह नाम देखो। अरे मुंह में मिठास आ गई, मुंह में मिठास आ गई। काम आपके काम से हमें छालिया खा रहा हूँ, छालिया से मीठी ये बात सुभान। लेकिन लेकिन मीठी सारी मिठास जो है ना इसके काम ने खराब कर, भैया खुद भी मुझे मीठा लग रहा है। हाँ, मीठे लेकिन मैं कभी भी इन अभी इमाम साहब मस्जिद मैं असल में अपना पेशा साइड में, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो टिकटॉक के बना रहे हैं, टिकटॉक नहीं बना रहे, ये तस्वीरें खींच रहे हैं, ये अमीर लेना हराम है, ये अमीर खुद कर चुका है, सब आता है, सब आता है, सब आता है। आप हम ये हमारे इसहाक साहब मौज़िन ने रह चुके हैं माशाल्लाह, आप हंस रहे हो यार, और ये हमारे जो है पीर साहब हैं और इनकी तबलीग जो है लोग करते हैं, और माशाल्लाह से अभी आप लोग भी नेक्स्ट करेंगे, डेली इनके बढ़ते जा रहे हैं तबलीग, मतलब जो भी इनके मुरीद हैं माशाल्लाह, काम हाथ ऐसा रखा है ना अल्लाह ने बरकत। मुझे माशाल्लाह से इनके पास आके बड़ा अच्छा महसूस हुआ है, बहुत अच्छा महसूस हुआ है माशाल्लाह। इतना नूरानी चेहरा, इतना हसीन चेहरा इनका, नूर दूर से दिख रहा है। आपका इस्म शरीफ क्या है? आपका नाम मुबारक उजैर, उजैर शरीफ अपना नहीं पता इमाम साहब, नहीं वो उर्दू का मुखलिस वर्ड है, वो आजकल की नौजवान आवाम को नहीं पता, बहुत गलत चीज है। तो हम, और आपका क्या नाम है? सिराज, सिराज, सिराज साहब, ये जो आपने मफलर ये ऐसे नहीं डालते, आप बेहरमती है, देख इनको, देख के उन्हें, देख के उन्हें, देख के ऐसे डालना, तो हम लोगों ने ये चीज अमल करने वाले बहुत अल्लाह को पसंद है, सबको पसंद है, अमल करो इन चीजों पे। बाकी आप लोग मुझे बताएं नमाज, नमाज के बारे में कुछ बात तो करें। नमाज हमने पढ़ानी है, हम ऊपर से वादा करके आए कि हमने, हर मुसलमान ने नमाज पढ़नी है और पढ़ानी भी है, हम पे फर्ज भी है, हम पे हमारे भाई हैं, आप जैसे ही हैं, मना कर रहे थे नमाज पढ़ने, आप हमारे साथ चलेंगे, अब मुंह से इनके बात नहीं निकलनी चाहिए। ये भाई भी आपकी तरह लगे हुए थे, अभी इनको लेके आवाज ऊंची ना करें थोड़ा, ये हम आपको बताएं। अच्छा आप मुझे बताएं, आप अभी बातें हो गई सारी अल्लाह की राह में, आप लोग क्या क्या सर अंजाम देते आ रहे हैं, कुछ मुझे बताएं आप लोग, के हम नमाज पढ़ते हैं कोई अच्छा काम इस तरह का जो आप बता सकते हो, बताएं। नहीं करते, शक्ल आपको बता रही है कहीं से, तो अभी चार बरस रही है। मैं आपसे एक बात मुखातिब होकर कहते हैं इमाम साहब, आप ही सुनिएगा कि हर कोई शुरू से सीख के कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ये सब चीज़ करनी पड़ती है, आप कोशिश करें, रब की जात आपके साथ है, आप आज से इंशाल्लाह, कल से मैं बोलता हूँ कल करे सो आज, आज करे सो अभी,
तो अभी आप हमारे साथ चलिए, असर का टाइम होता है, कितना मिनट अजान हो गई है, अजान भी हो गई, अजान हो गई, अब टाइम देखें आप कैसा बेहतरीन टाइम है, अजान हो गई है, पीछे मस्जिद है हमारी और बन रही है, ये आप चोरी हरकतें छोड़ दें, तस्वीर ना लें, अगर आप चले हमारे साथ, आप भी चले, नमाज पढ़ते हैं उसके बाद, किसी का वेट कर रहे हैं, आप चले, कैसी पहनी हुई हो, उसका वेट कर रहे हैं, आप चले, लोग नमाज पढ़ते हो कोई इस तरह का, नमाज अल्लाह के करीब कितना हो आप लोग? नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं पढ़ते नमाज, तो चलो आज से नहीं गुजरते ये, आज 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 से पढ़ना स्टार्ट कर, ये हर चीजें कोई बंदा शुरू से नहीं करता, आता कुछ टाइम लगता है, और पर हमारे साथ चले, बिल्कुल हम आपको दावत दे रहे हैं, इमाम साहब हमारे आए हैं, टाइम हो रहा है, वो भाई एक हमें मिले थे, इनको भी हम अपने साथ लेकर आए, तो ऐसे ही हम तीन मेहमान हमारे हो जाएंगे, अल्लाह के घर में इबादत करते हैं, इमाम साहब कोई इस बात में कोई गलती मेरी, कोई गलती अल्लाह के घर इबादत करते हैं, जाओ हम लोग, नहीं नहीं ये नहीं रहे ना, अब हजरात मुझे बोलने दे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, हम आपको ये सब बोलते हैं, ये डायलॉग हम सदियों से सुन रहे हैं, तो जाने दो भाई, आप इधर ही रहो, आप साथ नहीं जा रहे, टाइम ज्यादा हो रहा है, साथ जाएंगे आप, साथ आओगे, ये देखें ये कफने जो है ना ऐसे होने चाहिए, ये आप ये क्या कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं, मामा एक टखना तू चल में आया, अमीर साहब वो वाली बातें कर रहे हैं, मैंने अपना टखना ऊपर कर दिया, अभी आप चल रहे हैं, पैंट शर्ट हरा, लेकिन आपको पता है, एक सेकंड मैं एक चीज कहनी चाहूंगा, नहीं अच्छी लगती, एक चीज कहनी चाहूंगा, आपकी पैंट शर्ट में नमाज हो, आपकी तो हो सकती है, आपके पीछे वाले की नहीं हो सकती, देख रहा होता है ना सब कुछ, कटी पहाड़ी दिख रही होती है, ये देखो नमाज के लिए अजान हो रही है, चले चले अगर अगर आप नहीं चले मैं अपने दूसरे रूप में आऊंगा, इमाम साहब है आप, तो मैं इजाजत दे इमाम साहब, आप तसल्ली तसल्ली, देखिए हम लोग जो है ना आपके सामने दाढ़ी है हर चीज है, लेकिन हम लोग को वो नहीं समझो आप, हम लोग बहुत दूसरे उससे हैं भाई, हम लोग दूसरे किस्म के लोग हैं, ये तो अल्लाह की राह में हमारी आंखें खुल गई हैं, तो हम बस ये चीजें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की राह में लोगों को ले गए, क्या बात क्या बात क्या बात, सही, तो अब आप चलोगे, देखो हम आपके पास आए मतलब आपको लेकर जाएंगे, आप पहुंच गए मस्जिद, सही, आप हम आपके पास आए, आप समझो मस्जिद में आपकी हाजिरी लग गई, देखो ना एक मिनट इधर आइए, ये भी यही बोल रहा था, ये टाइम ज्यादा हो रहा है और मस्जिद भी जाना है, इमाम साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, देखें हम रुक जाए एक मिनट, तसल्ली कर लें पहले, हर बंदे को जो भी होता पता होना, देखें हमारा ये हम आते हैं अल्लाह की दावत दी आपको, आपको नमाज तो अब हम आए तो समझो, अब हम आए आपने नमाज पढ़नी है, ये फर्ज है, हम आए नमाज पढ़नी फर्ज है, अब काम ये होगा, तो दो तरीके का आ रहे हैं, हर मैं तरीके की बात काटूंगा, आप मुझे बोल रहे हो कि आप जाओ हम पाँच मिनट, आप पाँच मिनट यहाँ बैठ के करने क्या वाले हो, थोड़ा सा काम है वो करके, वो काम हमें बता दो वो हम कर लेंगे आपका, आपको नमाज पढ़नी और हम आपको पढ़ाएंगे, टाइम ज्यादा ना करें तो बेहतर है, दो तरीके, एक ये कि हमारा साथ ये है भाई, ये क्या नाम है, जमील भाई है माशाल्लाह से, इनका बैकग्राउंड कोई बिल्डर बिल्डर कुछ में से था, ये इनको भी हम लेके आए तबलीग थी, ये सही हो गए, चार कत्ल कर चुका है, लेकिन आज हमारे साथ अल्लाह की तरफ में खड़ा, अल्लाह की राह पे आ गए ईमान से, तो अब ये आपको भी लाएंगे, हमारे पास सारे ऐसे ही बंदे हैं, सही है, वो आप अब आज के जमाने में शरीफ हो गए, तो हम आपको दूसरे तरीके से भी लेके जा सकते हैं, दस दस कत्ल कर चुका हूँ, दो बच्चे खा चुका हूँ, अभी आप चल रहे हैं या आपको फिर हम लेके जाएं, आप सिर्फ ये देखो कि आप दुनिया में इतने जले हुए हो, दोजक में कितने जलोगे, दोजक लेगी नहीं, मैंने इनके कलर के हिसाब से बोला, इनकम मना कर देगी दोजक इन लोगों के, दोजक से राख बाहर जाती है अंदर कभी भी नहीं, तो खैर क्या कहेगा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहे, नमाज रुक रही है लोगों की, मौसिन हमारे चले, बस देर हो रही है, नहीं चले आते नहीं है, मजबूरन करना पड़ेगा, टाइम नहीं अपने पास, जो भी करना है इमाम साहब, अल्लाह बोलो, या अल्लाह मुझसे दो कत्ल होने वाले हैं, मुझे माफ करना, अल्लाह बोल दो, जैसे अब 5 से 10 मिनट दे दो हम लोग, ये ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं मोहम्मद क्या जमील साहब, और आप देखें आप लोग अपना करें भाई, आप थोड़ी देर अपनी अपनी टोपियां मुझे दें, हां टोपी उतार के काम, इंसान इंसान पे आप मजबूर कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जाने की नहीं, 5 से 10 मिनट में आ रहे हैं, जाने की नहीं, पकड़ इसको बांधो, चलो इस भाई मैं बस, मोहम्मद साहब आप इधर लाओ इनको पकड़ लो, आप लोग क्या नमाज पढ़ने क्यों नहीं जा रहे, एक मिनट
तरीका वहाँ लगा हुआ हम तबलीगी जमात के साथ तबलीगी बदमाश भी है यार। छोटा सा एक नोटिस दे रहा है लोगों को, उधर नहीं इधर खड़े हो गए तो छोटा सा एक लोगों को हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग नमाज के लिए रागिब हो, अच्छे काम करो, तबलीग वाले आते हैं मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि भाई आओ आपको दर्स देते हैं, तो आप लोगों का फर्ज है आप उनके साथ जाएं जाना और नमाज पढ़ें। बड़े, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं आप, इतने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई करो। देखो ना पीछे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। एक मिनट पार्ट वन में लोगों के इतने नेगेटिव कमेंट थे कि प्रैंक, ये नमाज को प्रैंक में लिया है। अबे भाई पूरी वीडियो तो देखो, ये पूरी वीडियो नहीं देखी, पूरी वीडियो देखो तो समझ आएगा। चलो सही है, ज्यादा हो सके तो इनको लाइक करो, शेयर करो और इनको कमेंट करो। आई लव यू, लव यू। तो अभी आपको जाना है तो जाना है, करते हैं हम करते हैं ऐसा। समझा रहे हैं नमाज, ये क्या तरीका है? चलो ओए एक इनको उठा, अच्छा ओए सही है सही है, नमाज पढ़ाने के लिए भाई क्या तरीका है? नमाज पढ़ने के तरीके थोड़ी होते हैं हमारे, मजाक कर रहे हैं, मजाक कौन सा मजाक? इधर देख लो पहले, उधर देखो, इधर कैमरा लगा। एक मिनट आप मुझे एक बात बताओ, आपको दावत किस चीज की थी हमने? नमाज की ना, तो चल नमाज में जाने के लिए आप लड़ने को तैयार हो? बहरहाल इधर थोड़ा खड़ा हो जाऊं इमाम साहब को। हाँ, तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, ये एक एंटरटेनमेंट के लिए एक वीडियो है, लेकिन काफी लोगों को एक मैसेज भी है। अच्छा, तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमारे तबलीगी भाई रोड पे घूम रहे होते हैं, गश्त कर रहे होते हैं, हर दुकान हर मार्केट में जाके एक ही बात कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, और जो भी टाइम बताते हैं, लेकिन पहुंचता कोई भी नहीं है। जैसे आपने बोला 5 मिनट आप जाओ, हम लोग 5 मिनट में आ जाएंगे, आते आप भी नहीं, ऐसा है? बिल्कुल, ये हमारा अपना बंदा है। तो अब उनकी अगर वो कभी आए ना आपके पास, तो आपने जाना है, जाओगे इंशाल्लाह? कैमरे में देख के आवाम को, पब्लिक को भी बोलो आप, आओ भाई लाजमी जाना है नमाज पढ़ने के लिए, हम भी नहीं जा रहे थे।